आप देख रहे हैं MP7 न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं इमरान। पत्रकारों पर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज करने के विरोध में पुलिस महानिदेशक गृह मंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। लवकुशनगर पत्रकार संगठन द्वारा छतरपुर में पत्रकारों पर पुलिस उत्पीड़न के जरिए फर्जी मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ कार्यवाही एवं साजिश के साथ दर्ज मामलों पर खात्मा लगाने को लेकर लवकुशनगर पत्रकार संगठन ने पुलिस महानिदेशक व गृह मंत्री के नाम SDM राकेश परमार को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकार संघ ने दोपहर करीब 1 बजे तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें घटना का उल्लेख किया है कि छतरपुर मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर थाना कोतवाली छतरपुर के क्षेत्र रिडेरा हार में 26 अक्टूबर 2021 को एक विवाहिता महिला संदिग्ध हालात में मिली, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतका के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर मृतका के परिजनों के बयान, उसकी फोटो, नाम सहित पूरा पता वायरल होता रहा। 27 अक्टूबर को सभी प्रादेशिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसमें मृतका की फोटो व नाम पता इत्यादि सहित घटना का विवरण दिया गया। प्रदेश के सभी न्यूज चैनल में भी इस घटना को प्रसारित किया। 29 अक्टूबर को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, जिसमें पुलिस ने स्थानीय पत्रकारों के खिलाफ 228 क के तहत मुकदमा दर्ज किया। पत्रकारों ने कहा कि जो मुकदमा कायम किया गया है वह साजिश के तहत किया गया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दमन का शिकार हो रहा है। सरकारी तंत्र द्वारा पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए साजिश रची जा रही है, जिसके तहत पूर्व में भी फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है फर्जी मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ कार्यवाही एवं साजिश के साथ दर्ज मामलों पर खात्मा लगाया जाए। लवकुशनगर से MP7 न्यूज के लिए आशांक सिंह। छतरपुर के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अधिमान पत्रकार मध्य प्रदेश शासन के धीरज चतुर्वेदी जी और दबंग मीडिया के संपादक भूपेंद्र सिंह जी, और इनके खिलाफ पुलिस ने एक खबर को प्रकाशित करने के चलते आरोप पंजीबद्ध किया है, जबकि उसी खबर को प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया। TV चैनल्स ने भी प्रमुखता से उस खबर को दिखाया। एक महिला के डेथ को लेकर एक जो खबर इन्होंने प्रकाशित की थी, उसमें इंटेंशनली इन दो पत्रकारों को टारगेट किया गया है कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा, और हम सब पूरे ज़िले के पत्रकार इस जो घटनाक्रम का, पुलिस कार्यप्रणाली का, या यूँ कहें पुलिस की तानाशाही का पुरजोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें सीधे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं प्रदेश के, उनसे ये मांग की है कि ये जो आरोप पंजीबद्ध किया गया है इसको, इस पर जाँच की जाए और इस जो प्रकरण का खात्मा लगाया जाए। साथ ही ऐसे पुलिस अधिकारी जो पत्रकारों को लगातार टारगेट कर रहे हैं या इस तरीके से केस में फंसा रहे हैं, उन पर भी नियमानुसार जाँच की जाए और वैधानिक कार्यवाही की जाए। इसी के लिए आज लवकुशनगर SDM को हम सब ने, पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।